दोस्तों नमस्कार। कहते हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। आज रात चंद्रयान चांद की जमी पे 1 से 2 बजे के बीच में पहुंच रहा है और हिंदुस्तान इतिहास रचने जा रहा है, क्योंकि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। रात के 1:30 से 2:30 बजे के बीच चांद दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 2 उतरेगा। हर किसी को, पूरे देशवासी को, हर एक हिंदुस्तानी को इसकी सॉफ्ट लैंडिंग का बेसब्री से इंतजार है। विक्रम लैंडर की लैंडिंग का गवाह बनने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसरो केंद्र में मौजूद रहेंगे। जी हाँ, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंद्रयान 2 की लैंडिंग को देखने के लिए स्वयं बेंगलुरु पहुंच चुके हैं और वो बेंगलुरु स्थित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के मुख्यालय में पहुंचेंगे। उनके साथ 70 छात्र भी मौजूद हैं और इन 70 छात्रों और तमाम वैज्ञानिकों के साथ प्रधानमंत्री स्वयं उपस्थित रहेंगे इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने के लिए। चंद्रयान 2 की जो लॉन्चिंग होगी 1:30 से 2:30 बजे के बीच में, उस लॉन्चिंग को देखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी उसमें मौजूद रहेंगे और वहां पर उपस्थित वैज्ञानिकों का हौसला अफजाई करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट भी किया है और इस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि आप सब लोग, सारे देशवासी, सारे हिंदुस्तानी रात को जगे रहिए, चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग को देखिए और उसकी तस्वीरों को ट्वीट करिए और मैं आपकी ट्वीट की गई तस्वीर को रीट्वीट करूंगा। एक तरीके से उसने हौसला अफजाई करने का काम किया है। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि चंद्रयान 2 की सफलता के पीछे क्या क्या रणनीति बनाई गई थी। तो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। रात 1:30 से 2:30 बजे के बीच में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करेगा चंद्रयान 2 और ये इस बात को जान के आपको हैरानी होगी कि विश्व का पहला देश, जी बिल्कुल, विश्व का पहला देश है भारत जो कि अपना चंद्रयान उतारने जा रहा है चांद के दक्षिणी ध्रुव पर। आज तक कोई भी देश चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान की लैंडिंग नहीं कर पाएगा, तो ये उपलब्धि पाने वाला पहला देश बनने जा रहा है भारत। इस ऐतिहासिक पल से कुछ घंटे पहले इसरो के चीफ सीवन ने कहा कि हम ऐसी जगह पर उतरने जा रहे हैं जहां इससे पहले कभी कोई नहीं गया था और हम आश्वस्त हैं इस लैंडिंग को लेके कि ये सफलतापूर्वक हो जाएगा। जहां तक चंद्रयान 2 की बात करें, तो यदि चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग में कामयाब रहता है तो इसके पहले 3 देश चंद्रमा पे जाने में सफल हुए हैं, उसमें रूस, अमेरिका और चीन। रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत चौथा ऐसा देश होगा जो चांद पे अपना चंद्रयान उतारने जा रहा है। लेकिन जिस जगह पे भारत अपना चंद्रयान उतारने जा रहा है वो चांद का दक्षिणी ध्रुव है, वहाँ अभी तक कोई नहीं पहुँच पाया है। तो इस तरीके से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे चंद्रयान उतारने वाला भारत विश्व का पहला देश होगा। चंद्रयान 2 की पूरी जो जब इसको लॉन्च किया गया था और तब से लेके लगभग 1798 घंटे, इतने घंटे लगे हैं और इतने घंटे में एक एक करके क्रॉस करते हुए चंद्रयान 2 आज रात को पहुंचेगा। हिंदुस्तान के जाने माने गीतकार प्रसून जोशी ने एक कविता लिख के चंद्रयान 2 के लिए देशवासियों की और वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई करने का काम किया है। वो कविता है उनकी, चंद्रयान की टीम ने देखो कैसा अद्भुत काम किया, युगो युगो से सूत काटती, अम्मा को आराम दिया, यही चांद मांगा करता था,
मोटा एक झिंगोला, इसी चांद का मुंह टेढ़ा था, यही था वो अलबेला। अब मैया से जिद न करेंगे, बाल कृष्ण मुस्काएंगे, चंद खिलौना हाथ में लेकर लीला नई रचाएंगे, और हम भी अब पास से जाकर देखेंगे बस घूर के, और ना कहेंगे चंदा को हम, चंदा मामा दूर के। ये कविता प्रसून जोशी ने लिखी है चंद्रयान 2 के लेके। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश के तिरंगे में चांद नहीं है, लेकिन हमारा तिरंगा उस जगह पे फहराया जाएगा जहाँ पे चांद है, यानी कि चांद पे तिरंगा फहराने वाला और चांद के दक्षिणी ध्रुव पे तिरंगा फहराए जाने वाला हमारा पहला देश भारत बनने जा रहा है। चंद्रयान 2 जो कि आज चंद्रमा की कक्षा में लैंड होने जा रहा है, इसको श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था, और इसको भारत की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने पृथ्वी से चंद्रमा के लिए लॉन्च किया था। भारत का चंद्रयान 2 मिशन इस मायने में काफ़ी खास है कि ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की कोशिश करेगा, और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर आज तक कोई अंतरिक्ष यान नहीं उतर पाया है, यानी कि अभी तक कोई भी देश यहाँ नहीं पहुँचा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक चांद का ये इलाका यानी कि दक्षिण ध्रुव काफ़ी जटिल और जोखिम भरा है। चंद्रयान 2 पहला भारतीय मिशन है जो स्वदेशी तकनीक से चंद्रमा की सतह पर उतारा जाएगा। पहली बार स्वदेशी तकनीक से बना चंद्रयान 2 चांद की सतह पर जानकारी जुटाएगा। इसके पहले रूस, अमेरिका और चीन ने जो अपना चंद्रयान चंद्रमा पे भेजा था, उससे काफ़ी कम लागत में, बहुत कम खर्चे में स्वदेशी तरीके से चंद्रयान 2 को बनाया गया है। तो एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि विश्व का सबसे सस्ते में, सबसे कम खर्च में बनने वाला और चंद्रमा पे लैंड करने वाला चंद्रयान है चंद्रयान 2, जिसको कि भारत ने लॉन्च किया है। चंद्रयान 2 को GSLV मार्क 3M रॉकेट लेकर चंद्रमा की तरफ रवाना हुआ था, और उसका कुल वजन 640 केजी था, और ये 640 केजी वजन को लेके चंद्रयान चंद्रमा की तरफ गया था। इसके ऑर्बिटर का वजन 2379 किलोग्राम है। लैंडर विक्रम को चंद्रमा की सतह पर भारत की पहली सफल लैंडिंग के लिए डिजाइन किया गया है, यानी कि चंद्रयान 2 को जो लैंड करने वाली मशीन है उसका नाम लैंडर विक्रम किया गया है। इसी की सहायता से चंद्रयान 2 चंद्रमा की कक्षा में प्रतिस्थापित होगा। चंद्रमा पृथ्वी के काफ़ी करीब है, जिसके माध्यम से अंतरिक्ष से जुड़े खोज के लिए प्रयास किए जाते हैं, और चंद्रयान 2 एक बार जब से ही चंद्रया की कक्षा में पहुंचता है तो वहां से बहुत सारी जानकारियां ये हम पृथ्वी पे भेजेगा, जिसके आधार पे भारत का जो पूरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है चंद्रमा के प्रति, और जिसमें विश्व के बाकी देशों से फिलहाल में भारत काफ़ी आगे चल रहा है, तो उसमें ये मायने रखता है कि आने वाले दिनों में भारत स्पेस साइंटिस्ट के तौर पे, भारत की जो संस्था है इसरो, ये बाकी देशों के लिए एक बड़ी मिसाल कायम करने जा रहा है, और विश्व के बाकी जो विकसित देश हैं उनके लिए ये बहुत ही ताज्जुब की बात है कि एक विकासशील देश भारत ने बहुत कम समय में, सबसे कम खर्चे में ऐसी जगह पे अपनी मिसाइल को प्रतिस्थापित किया है जिसके लिए उनको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी है, और ये सारे हिंदुस्तानियों के लिए एक खुशी का दिन है, और इसको आप लोग इस खुशी को मनाइए। और चंद्रयान 2 से रिलेटेड यदि आपको कोई भी जानकारी जो आपको चाहिए कि चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ था, चंद्रयान 2 और 1 के बीच में इतना समय क्यों लगा, इसमें से कौन सी टीम ने काम किया, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, ये जानकारी यदि आपको ज़रूरत है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में इसके
सवाल पूछ सकते हैं। हम इसकी पूरी जानकारी के लिए आपको वीडियो बना के दिखाएंगे।